नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मेरे चैनल क्रॉच एंड क्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप भी घर में सब सुरक्षित तो सही होंगे। आज जो मैं आपके लिए लिख रही हूँ, एक और राखी का नया डिजाइन लेकर आई हूँ, और उसको मतलब कि आपने देखा होगा ब्लू आई हम बच्चों को नजर से बचाने के लिए हम उसका ब्रासलेट भी हम पहना देते हैं, हम उसको गले में लॉकेट डाल देते हैं, ब्रासलेट पहना देते हैं, और कई आजकल तो रिंग भी आ रही है, बहुत आइटम आ रहे हैं, बच्चों की छोटे बच्चों की नजरिया भी आ रही है। तो मैं राखी लेकर आई हूँ कि हम इसको राखी तो हम इस्तेमाल कर ही सकते हैं, आगे जाके इसको हम कुछ भी हम इसका बना सकते हैं। देखिए ये मैं ब्लू आई राखी लेकर आई हूँ, तो इसको हम जैसे मर्जी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए, अगर हम इसको एज ए राखी हम इस्तेमाल करेंगे तो रक्षाबंधन पे हम राखी इस्तेमाल कर लेंगे। अगर हम इसको यहाँ से खोल के, यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर रखा जो मैंने दूसरी बनाई थी पट्टी, तो उसको यहाँ से खोल के और इसको हम यहाँ पे ऐसे अपना गाड़ी के अंदर हम अपना इसको ऐसे लटका सकते हैं, गाड़ी कार के अंदर इसको हम टैग कर सकते हैं। तो हमारी ये हमारी एक ही चीज के अंदर ये दो चीज हो गई है, तो ये हम बनाना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं ये बनती कैसे है। तो आइए इसको शुरू करते हैं बनाना और देखते हैं मेरे साथ ये बनती कैसे है। तीन कलर के अंदर मैंने व्हाइट लिया है, डार्क ब्लू लिया है, लाइट ब्लू लिया है, ये मैंने तीन कलर लिया है, और तीन कलर से मैं राखी को स्टार्ट करूंगी। इसमें हम डेकोरेशन हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्लू कलर से। ब्लू कलर से पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले मैजिक रिंग बनाऊंगी। ये मैं इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं ये, आपको अगर छोटी बनानी है तो आप ओनली सिंगल स्टिच लेंगे, ये देखिए इस तरह से। आपको उससे थोड़ी सी बड़ी बनानी है तो आप डबल हाफ क्रोशिया लेंगे। देखिए मेरा ये आठ सिंगल स्टिच हो गए। अब मैं इसको यहाँ पे खींच लूंगी, ये देखिए इस तरह से, और ये यहाँ पर इसको जोड़ लूंगी, ये इस तरह से, ये मेरा रिंग बन गया एक। ये देखिए यहाँ पे अब मैं ब्लू कलर लगा रही हूँ। ब्लू थोड़ा मैंने शाइनिंग वाला लिया है। अब इसको भी मैं यहाँ पर सिंगल स्टिच ही कर रखूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिंगल स्टिच लिए थे आठ, ऊपर लूंगी मैं 16। ये यहाँ पे इसको इस तरह से, ये मेरा सर्कल बन गया। यहाँ पे मैं इसको कट कर लूंगी, ये देखिए, क्योंकि ब्लू का काम अब हमारा नहीं है। ये हम इस तरह से इसको नॉट लगा लेंगे और यहाँ पे भी इसको पीछे ले देंगे, या इसको हम जो भी आप धागा लेंगे वो हम उसमें इसको कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ वाइट कलर, तो ये देखिए वाइट में लगाऊंगी कैसे, इसको भी साथ में ले लूँगी, ये यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसको लेके ये दोनों कलर यहाँ पे नोट लगा लूँगी इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ पे हम एक दो तीन और ये चार, यहाँ पे हम चार डबल क्रोशिया लेंगे। हाँ, यहाँ पे अगर आप डिज़ाइन ना डालना चाहें तो आप सिंपल भी ले सकते हैं। ये देखिए ये मैं यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच बना रही हूँ इस पर, ये देखिए इसमें मैंने चार हो गए, ये देखिए इस तरह से हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये ब्लू कलर लेना है, ये देखिए पीछे से ब्लू कलर लेना है। ब्लू हम कहीं से भी ले सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे दो चैन ले लेंगे,
और ये देखिए यहाँ पे जो हमने ये बनाया था ये यहाँ पे इस तरह से ये देखिए ये हमारा वाइट आ गया, तो मैं इसको बाद में निकाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से ये हमारा आ गया। फिर यहाँ पे मैं ये दो चैन लूंगी, ये देखिए एक दो और ये तीन, ये तीन यहाँ पे, अरे यार ये अटक गया। ये देखिए ये लेके यहीं पर इसको मैं ये जो मैंने पफ बनाया था पॉपकॉर्न स्टिक इस पर जोड़ दूंगी। इसके अंदर डोरी बना रही हूँ जो ओनली ये देखिए ये इस तरह से बीच में ये मैं इसी तरह से नॉर्मल डोरी बना रही हूँ जो हम इसको बांधने में भी हमारे इजी रहे। अब चाहे हम इसको अपने भाई को बांधे, चाहे हम अपने भतीजे को बांधे, हम कैसे भी करें इसको। ये मैं इसलिए इसको ले रही हूँ ताकि इसका बेस जो हम डोरी का बनाएंगे तो ये हमारा बेस बना रहेगा। ये देखिए ये मैंने बांधने का बना दिया है, ये देखिए यहाँ पे बांधने का बना दिया है। और ये मेरी राखी होती हैं, ये हर शेप में आती हैं, छोटा बड़ा सब साइज आते हैं और दो शेप में आती है ये। ये देखिए इसमें पहले थोड़ा सा ग्लू लगाते हैं तो ये बिल्कुल उसी की तरह लगेगी। ये ज़रूर बताइए आपको ये कैसी लगी है। और जो भी मेरे नए दर्शक हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं एक और नए प्रोडक्ट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।